हेलो स्टूडेंट, पीटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको आईटीआई में आए हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है, पहले मैंने उसके बारे में आपको बता देता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 10-10 नंबर के तीन क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, और इसके बाद मैं 10-10 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि हमारा ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट साइड और टॉप को बनाइए। तो ये मैं पहले ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक समस्या ये थी कि जो हमारा एग्जाम में जो ये आया था, तो इस क्वेश्चन में ये चित्र बना हुआ था, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी फ्रंट साइड और टॉप नहीं लिखा हुआ है। देखिए, इसमें आपने भी देखा होगा ना, इसमें फ्रंट लिखा, ना साइड लिखा, ना टॉप लिखा। तो इसकी ये पहचानने के लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको, हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप कभी भी एग्जाम में जाओगे तो आपको फ्रंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एफ लिखा नहीं होगा। तो आप कैसे समझेंगे कि ये फ्रंट है, कैसे समझेंगे कि ये साइड है, क्योंकि हमारे एग्जाम में लिखा नहीं है। वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रंट के लिए एफ लिख दिया जाता है, लेकिन इस बार एग्जाम में एफ नहीं लिखा था। तो उसको समझाने की मैं ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से हमें समझना है कि हमारे चित्र का फ्रंट कौन है, साइड कौन है। तो देखिए, इस चित्र में आप गौर से देखिए, ये जो इसकी लंबाई है पूरी 20 mm है, इधर की लंबाई देखिए आप 25 है, 25 देखिए, ये 25 लिखा हुआ है, क्योंकि 15 जी है, 5 जी है और 5 जी है, तो 15 और 5 20 और 5 25, तो 25 ही होंगे। तो ये भाग की जो हमारी चौड़ाई है ये हमारी 25 mm है, इस भाग की जो चौड़ाई है हमारी 20 mm है। तो जो हमारी चौड़ाई अधिक होती है उसी को हम फ्रंट कहते हैं। तो दोस्त, कौन सी चौड़ाई अधिक है? ये 25 mm अधिक है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। आपको कैसे ये ट्रिक जो है कैसी लगी होगी, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जिसकी चौड़ाई अधिक होती है वही हमारा फ्रंट होता है, चाहे एफ लिखा हो अन्यथा ना लिखा हो। तो ये एफ लिखा हुआ है क्योंकि इसकी चौड़ाई अधिक है। अब जो हमारा फ्रंट होता है, इसके बगल में जो होता है उसे हम साइड कहते हैं। तो ये वाला जो व्यू होगा हमारा साइड का होगा, और जो ऊपर वाला व्यू होगा हमारा वो टॉप का होगा। इसको हमें इसलिए समझना है क्योंकि हम आईटीआई करने के बाद जो नौकरी के एग्जाम देने जाएंगे, तो उसमें भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो हमने फ्रंट को पहचान लिया, साइड को पहचान लिया, टॉप को पहचान लिया। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। तो हमें इस तरीके का पेपर मिलता है, जिस तरीके का ये बाउंड्री बनी हुई है, इस तरीके का पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, इस तरीके का पेपर जो मैंने ये बाउंड्री बनाई हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बीच इस पूरी लंबाई को नापना है, जिस तरीके से मैंने बना के रखा है मैं बता देता हूँ। इस पूरी लंबाई को नाप करके इसके सेंटर में एक निशान लगाना है, और इसकी पूरी लंबाई को नाप करके इसके सेंटर में एक निशान लगाना है, डार्क लाइन खींच देनी है, जिस तरीके से मैंने एक डार्क लाइन खींची है, ये डार्क लाइन खींच देनी है। इसके बाद इधर पे एक सेंटर में पॉइंट लगाना है, इसकी पूरी लंबाई को नाप करके, फिर इसकी पूरी लंबाई को नाप करके एक सेंटर में पॉइंट लगाना है इधर पर, और इसके लिए एक डार्क लाइन खींच देनी है। डार्क लाइन खींचने के बाद मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद जो मैंने इधर पे सेंटर में पॉइंट लगाया था, इसके 5 mm ऊपर एक पॉइंट लगाना है, और ये पॉइंट उसके 5 mm नीचे लगाना है। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर 5 mm के एक निशान लगाना है, 5 mm के नीचे निशान लगाना है, और इसमें एक लाइट लाइन हमें खींचनी है। तो जो मैंने लाइट लाइन के लिए यूज किया है, ये एक रेड कलर की मार्कर का यूज किया है, ताकि आपको लाइट लाइन अच्छे से समझ में आए। लाइट लाइन खींचना है क्योंकि लाइट लाइन पतली होती है और डार्क लाइन मोटी होती है, जिसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। तो ये डार्क लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि डार्क लाइन की थिकनेस कितनी होती है, तो डार्क लाइन जो मैंने खींची थी बीच में, इसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। इसी तरीके से इस पॉइंट के इधर भी 5 mm का एक निशान लगाया, और इस पॉइंट के इधर भी 5 mm का निशान, इस पॉइंट के इधर भी 5 mm का, और इधर भी 5 mm का। इसके बाद ये हमने लाइट लाइन क्या कर दी, खींच दिए दो लाइट लाइन। अब हमारा ये जो पेपर 4 भागों में बट चुका है, अब हम इस पेपर को 4 भागों में बांटने के बाद हमें इसके जो व्यू बनाना है, जो हमने खोजे थे फ्रंट साइड और टॉप, तो किस तरीके से हम बनाएंगे। ये जो हमारी एग्जाम में आया था, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए आप, इसमें ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आपके पास भी पेपर होगा तो आप देख सकते हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्शन बनते हैं वो 2 एंगल में बनते हैं, एक बनता है फर्स्ट एंगल, एक बनता है थर्ड एंगल। तो ये भी याद कीजिए आप लोग, हमारी ड्राइंग 2 प्रोजेक्शन में बनती है, एक होता है फर्स्ट एंगल, एक होता है थर्ड एंगल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे जो आईटीआई में ज्यादातर आता है थर्ड एंगल आता है, तो थर्ड एंगल की मैं ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल की ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी हम थर्ड एंगल पढ़ते हैं। थर्ड एंगल में ये होता है कि जो चीज जहां से देखी जाती है, हम इस चित्र में जो हमने ये चित्र बनाया है, जहां से हम इस चित्र में देखेंगे
जिस जगह से देखेंगे हम इसको उसी जगह बनाएंगे। तो अब देखिए जे की मेरा ये राइट हैंड है, ये वाला हाथ राइट हैंड है, ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड है। तो जे की ये जो फ्रंट व्यू है आप खुद ही देख सकते हैं कि ये हमारे लेफ्ट हैंड पर है, और जो साइड व्यू है ये हमारे राइट हैंड पर है। तो हम जब ये हमारा लेफ्ट हैंड पर है हमारा फ्रंट व्यू, तो लेफ्ट हैंड पर बनेगा। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है, और ये वाला जो हमारा राइट हैंड पर है साइड व्यू, तो ये हमारा राइट हैंड पर बनेगा। तो हमारा फ्रंट इधर बनेगा और साइड हमारा इधर बनेगा। हम फ्रंट कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट बनाने के लिए आपको थोड़ा स्केल का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसकी जो इधर से इधर तक हाइट है 20 होगी, क्योंकि ये भी 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो इधर से ले जाकर के हम इधर से इधर पर 20 का निशान लगाएंगे। इधर पर हमने 20 mm का एक निशान लगा दिया, एक पॉइंट रख दिया। अब इसके बाद ये देखिए कितने का है, ये 25 का है पूरा। तो हम इधर से हमें इधर तक 25 का खींचना है, लेकिन इसको ये सीधा खींचना चाहिए 25 का। तो या तो हम सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे, यदि आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो हम एक काम इसमें कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, हम इधर से जाके इधर पे 25 का निशान लगाएंगे, 25 का निशान, और इधर से जाके हम इसको देखेंगे कि ये 25 इधर तक आ रहा कि नहीं। तो इधर से हम इसको नापेंगे 20, क्योंकि 20 था। तो इधर से हमें नापने के बाद ये 20 इधर तक आना चाहिए, और इधर से 25 यहीं इसी पॉइंट तक आना चाहिए। जब हमारा ये जाके ऐसे 25 इधर तक आएगा, और ये चीज हमारी 20 आएगी, तो इसको हम मिला देंगे और इसको भी हम डार्क कर देंगे। अब इसको हम इधर पे देख लेते हैं, इसको हमने इधर से लाइट लाइन पर हमने बनाना है। हमने अभी इसको डार्क लाइन पर बना दिया था, ये हमने गलत बनाया था, हमको लाइट लाइन पर बनाना है। तो इधर से हमने जो निशान लगाया था, इधर से निशान लगाया था हमने, ये निशान लगाया था 20 का, ये 20 का निशान लगाया था, इसको हमने डार्क कर दिया था। इसका 25 हमें इधर से लेना है, 25, और इधर से लेना है हमें 25, और 20 लेना है इधर से नीचे की तरफ, तो 20, तो ये हमारा बन जाएगा, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। अब हमें देखना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें बनाना है ये देखिए 5 mm दिखाएगा, तो ये हमें 5 mm छोड़ना है, इधर से भी 5 mm छोड़ना है, इधर से भी 5 mm छोड़ना है। तो हम देखिए इधर से हम स्केल रखेंगे, 5 mm का निशान लगाएंगे छोटा सा, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm का निशान लगाएंगे, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm का, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm का, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm, इधर से स्केल रखेंगे, इधर 5 mm। और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी एक लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे। तो ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लाइट खींचेंगे, तो इसको हम इससे साफ कर सकते हैं, लाइट लाइन जो हमने खींची थी 5 mm की। या चाहो तो जब हम लाइन खींचेंगे तो हम इतना ध्यान रखेंगे कि जहाँ कट करेंगे वहां से ही हम लाइन खींचना स्टार्ट करें। जैसे यहाँ से कट कर रही है, हमने स्केल लगाया, स्केल लगाया 5 mm का निशान था, तो हम इधर से निशान भले ही इधर से लगाए हैं, लेकिन हम इधर से खींचेंगे नहीं, हम खींचना स्टार्ट यहीं से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। जब हम इधर से निशान लगाए थे, इधर से हम लाइन खींचेंगे, तो इधर से लाइन हम नहीं खींचेंगे, हम लाइन इधर से खींचना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू देखिए ये 20 mm है, और इसकी हाइट भी जो है 20 mm है। तो हम इधर से 20 mm की लाइन खींचेंगे, और इधर से जाके ये 20 mm की खींचेंगे, और इस पर 20 mm का निशान लगा के एक नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे, और इसकी 20 mm इधर खींच देंगे, तो ये दोनों कट कर जाएंगे। और कट करने के बाद चाहो तो आप इसको इस कॉर्नर को साफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा साइड व्यू बना, लेकिन साइड व्यू में एक समस्या है। वो क्या समस्या है कि साइड व्यू हम जब देखेंगे तो इस तरीके का आप साइड व्यू इधर से देखोगे, ये जो मैंने रेड से लाइन खींच के बता दी, जब हम साइड व्यू देखेंगे तो ये जो ये होल है इसके बीच में, इस तरीके का इसके बीच में ये स्लॉट है, इस तरीके का आर पार ये स्लॉट गया है, ये स्लॉट। तो जब हम इधर से साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू में ये स्लॉट हमें दिखाई नहीं देगा। जब हमें ये स्लॉट दिखाई नहीं देगा तो जो चीज दिखाई नहीं देती है उसकी डॉटेड लाइन आती है, डॉटेड लाइन होती है। कैसे, जैसे हम ये चीज इधर से देख रहे हैं, तो इधर तो मेटल है, अंदर से होल है, तो ये इधर पे ये साइड व्यू से हमें ये कॉर्नर की जो अंदर स्लॉट गया ये हमें दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से गया, अंदर से गया है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंदर है, इधर पे मेटल है। तो इसकी दो डॉटेड लाइन आएंगी, वो डॉटेड लाइन हम कैसे डालेंगे, एक इधर से लेके इधर का 5 mm है, तो हम 5 mm का निशान लगाएंगे, इधर से 5 mm का निशान लगाएंगे, ऊपर से 5 mm का निशान लगाएंगे, इधर से भी 5 mm लगाएंगे, और इधर से हम 2-2 mm की डॉटेड लाइन इस तरीके से हम खींच देंगे। 2 mm की लाइन खींची जाती है और 1 mm का गैप रखा जाता है, इस तरीके से दो डॉटेड लाइन का। ये डॉटेड लाइन किसकी है, क्योंकि ये स्लॉट हमें इस तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इसका बनाएंगे टॉप। टॉप हमेशा फ्रंट के कहां बनता है, फ्रंट के ऊपर बनता है। अब टॉप देखिए, इधर से हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर
से इसको देखेंगे तो भी ये स्लॉट हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे हम ऊपर से वैसे देखेंगे तो ये मेटल हमें दिखाई देगा। तो हम टॉप को बनाते हैं। टॉप देखिए ये 25 है तो इसको हमें 25 बनाना पड़ेगा। तो इधर से ये लाइट लाइन पे हम 25 mm को डार्क कर देंगे। तो हमने 25 mm को डार्क कर दिया। अब इसका देखिए इसकी ऊंचाई कितनी, ये कैसे जाना, लंबाई तो 20 है क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगा। हम 20 mm ऊपर ले जाएंगे। 20 mm ऊपर ले जाने के बाद हम इधर से 25 की लाइन खींचेंगे और इधर से 25 की लाइन खींचेंगे सेट स्क्वायर का यूज करते हुए। सेट स्क्वायर जो होता है वो सीधे 90 डिग्री में लाइन खींचता है, तो हम ट्राई स्क्वायर की तरह ही यूज करते हैं। तो इधर पर कट कर जाएगा तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। अब देखिए टॉप से भी हमें ये जो दोनों कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर का जो अंदर स्लॉट गया वो टॉप से भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो टॉप में भी दो टोटल लाइनें 5-5 एमएम के गैप में आएंगी। तो हम टॉप में भी इधर पर 5 एमएम का एक निशान लगाएंगे, इधर से इस कोने से 5 एमएम का एक निशान लगाएंगे, इधर से 5 एमएम का निशान लगाएंगे, इधर से भी 5 एमएम का निशान लगाएंगे और इसमें वही 2 एमएम की लाइन, एक का गैप 2 की लाइन, एक का गैप 2 की लाइन, एक का गैप 2 की लाइन, एक का गैप दो की लाइन, एक का गैप दो की लाइन, एक का गैप, इस तरीके से हम ये मिला देंगे। अब ये बनने के बाद हमें कुछ और काम भी करना है। क्या काम करना है, सबसे नीचे इधर पे ये फ्रंट के नीचे हमें कैपिटल लेटर में फ्रंट लिखना है, FRONT कैपिटल लेटर में। इधर पे साइड लिखना है फ्रंट साइड और इधर हमें टॉप लिखना है। अब हमें इसकी जो है ये जो डायमेंशन दी गई, जिस डायमेंशन को दिखाना है तो डायमेंशन इस तरीके से दिखाया जाता है। तो मैं एक डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें डायमेंशन दिखानी है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो थी हमारी ये 20 mm है, तो कैसे दिखाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर से जैसे इस डायमेंशन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो इधर से 5 mm का गैप छोड़ के 10 mm की बड़ी सी एक लाइन खींच देना है, फिर इधर 5 mm का गैप छोड़ के इधर पे 10 mm की एक लाइन खींच देना है। तो ये मैंने दो लाइनें खींच दी। कैसे खींचोगे, हम स्केल ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के जिस तरीके से मैंने मार्कर को लगाया, 5 mm का गैप छोड़ के 10 mm की, इधर भी 5 mm का छोड़ के 10 mm की, फिर इसके बाद इसका सेंटर लगाना 5 mm, इसका सेंटर लगाना 5 mm और दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन खींच देना है क्योंकि सेंटर टू सेंटर खींचे, इसीलिए हमने इसके 10 की थी तो 5 में सेंटर लगाया, ये 10 की थी तो 5 में। अब हमें एरो बनाना है, तो एरो जो रहता है, एरो में इधर बना के बता देता हूँ एरो किस तरीके से बना। 1 mm मोटाई रहना चाहिए और 3 mm इसकी लंबाई रहना चाहिए क्योंकि एरो का जो रेशियो रहता है वो 1:3 होता है। तो इस तरीके से हम एरो बनाते हैं, इस तरीके से एरो 1:3 है। और जो भी साइज हमें लिखना है इसके ऊपर लिखना है हमें, जैसे 20 mm लिखा हुआ है तो जो डायमेंशन लाइन हमने खींची है इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके हमें डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है 20 mm। तो उसी तरीके से जैसे मैंने 20 लिखा है इसी तरीके से सारे साइज हम इसी तरीके से लिखे, जैसे 5 है तो 5 को हम इधर दिखाएंगे, ये 25 है तो ये हम 25 दिखा देंगे पूरे का, इसका जो चौड़ाई दी गई है तो ये सारे डायमेंशन हमें इस तरीके से हमें 20 लिखा है, इस तरीके से दिखाएंगे। इसके बाद फिर जो ये हम नंबर 25 लिखा, 15 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये mm में है कि सेंटीमीटर में है, तो हम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे all dimensions are mm, are in mm। हमें इधर सबसे नीचे लिखना है, ये नीचे जो आपके पेज के नीचे जगह रहेगी इधर पे नीचे, तो उधर लिखेंगे all dimensions are in mm, यानी कि जो भी हमने डायमेंशन इधर लिखे हैं उनको हमने काय में लिखा है, mm में लिखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें साइड में थर्ड एंगल में जो हम ड्राइंग बना रहे हैं थर्ड एंगल में, तो थर्ड एंगल में ड्राइंग बनाने का एक चित्र होता है, उस चित्र को हमें बनाना पड़ेगा। किस तरीके से हम चित्र को बनाएंगे जो हमारी ये ड्राइंग बनने के बाद, तो ड्राइंग बनने के बाद हम चेक कैसे करते हैं कि ड्राइंग कैसे सही है, तो देखिए इसमें ये ड्राइंग जो हमारी इधर से सीधी लाइन में आना चाहिए, देखिए सीधी लाइन में आ रही, ये चित्र हमारा नीचे ऊपर नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन में हमारी ड्राइंग आ रही है इधर से। इसके बाद ये ड्राइंग भी देखिए सीधी लाइन में जा रही है, तो अगर ये लाइन ऐसे सीधी इधर पे हमारा जो फ्रंट व्यू है टॉप व्यू ऐसे सीधा जा रहा तो ठीक है, और ऐसे जा रहा तो भी ठीक है, यानी हमारी ड्राइंग सही है। इसके बाद हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, तो इसमें हमें दो डाया बनाने पड़ते हैं, एक डाया छोटा और एक डाया बड़ा, और इसके बीच में एक सेंटर लाइन खींचना है, सेंटर से होते हुए ये सेंटर लाइन खींचना है। इसके बाद जितना हमने छोटा वाला डाया बनाया, मान लीजिए हमने 10 mm का छोटा डाया बनाया, तो हम 10 mm की इधर एक लाइन खींचेंगे छोटी, ये 10 mm की खींचना, जितना ये सर्कल है उतना ही ये सेंटर में होना चाहिए, जैसे इसका सेंटर आ रहा है ये बीच में सेंटर है और ये लंबी लाइन है, तो इतनी लंबी लाइन खींच, जितने का बड़ा का डाया है उतनी हम बड़ी लाइन खींचेंगे, ये बड़ी लाइन जितना बड़ा डाया हो, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इधर भी एक सेंटर लाइन डाल देंगे। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये हमने थर्ड एंगल का, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जिसमें हम ड्राइंग बना रहे थे उसका सिंबल बनाया, जो कई बार DRDO या VHL जैसे एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो दोस्त ये हमारी ड्राइंग जो है बनकर तैयार हुई है। यदि इस तरीके से आपने ड्राइंग बनाई है
तो आपको पूरे लगभग 20 नंबर आपको इसमें से मिल सकते हैं। और जो ये 10-10 नंबर का ये दो जी, इसमें हमें फ्री हैंड स्केल बनाना पड़ता है ड्राइंग, जिस प्रकार से हैमर का हमें साइन बनाना है, तो मैं ये फ्री हैंड का आपको बना के दिखा देता हूँ। जिस तरीके से पहले नंबर में दिया वॉल पेन हैमर एवं डबल एंडेड स्पिनर, जो पहले नंबर पे दिया गया था, इसको हमें बिना स्केल की मदद से बनाना पड़ता है, तो मैं डबल एंडेड स्पिनर बना के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। इस तरीके से मैंने बनाया है, अभी मैंने ग्रिपिंग नहीं इसकी बनाई है, अब मैं ग्रिपिंग बना देता हूँ इसकी। इस तरीके से डबल एंडेड स्पिनर मैंने रखली बनाया है अभी, क्योंकि जिसके दोनों सिरे होते हैं उसे हम डबल एंडेड स्पिनर कहते हैं। तो इसको और लंबाई में थोड़ा अधिक लेकर के साइज भी लिख सकते हैं, जैसे 11-13 का है, तो इस तरीके से डबल एंडेड जो जिसको हमें फ्री हैंड स्केल या हाथ के द्वारा बनाना पड़ता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था, ये चित्र बना हुआ था, ये चित्र, इस चित्र को हमें सेम टू सेम जैसा बना हुआ था वैसा ही बनाना था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें इसके फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के दो व्यू बनाना थे। तो मैंने थर्ड एंगल का तो बना के दिखाई दिया है, लेकिन फर्स्ट एंगल का क्या होगा वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एंगल में इसमें क्या होता है, जो इसका बड़ा वाला हिस्सा जो है, ये हमारे सर्किल की अपोजिट तरफ है, वो बड़ा वाला हिस्सा हमें बनाना है इसकी तरफ। देखिए कैसे बनाना है, फर्स्ट एंगल का बड़ा वाला हिस्सा इधर रहेगा और छोटा वाला हिस्सा इधर रहेगा। इस तरीके से हमें इसको इस तरीके से सेंटर लाइन खींच के हमें बनाना है। तो ये जो हमारा साइन बना है, ये हमारा फर्स्ट एंगल का है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। और ये नीचे वाला जो है, ये थर्ड एंगल का है, सेकेंड एंगल इसमें होता नहीं है। तो ये थर्ड एंगल का छोटा वाला हिस्सा यदि सर्किल की तरफ है तो थर्ड एंगल होता है, बड़ा वाला हिस्सा सर्किल की तरफ होता है तो फर्स्ट एंगल होता है। अब इसमें लेकिन ये डायमीटर दिया गया था, इसका जो कैपिटल डाया दिया गया था वो 40 mm दिया गया था इस पेपर में। तो इधर पे जो बड़ा डाया रहेगा, इसको इस बड़े डाया को हमें 40 mm का सर्किल बनाना है। तो ये जो भुजा रहेगी ये भी 40 mm की रहेगी, जब इसको हम 40 mm बनाएंगे तो ये भी 40 mm रहेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को कर सकते थे, यदि आप इसको पहले पढ़े होंगे तो अच्छे से कर लिया होगा आप लोगों ने। और यदि आपने अभी नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए, क्योंकि ITI में भी आते हैं और आपके जो नौकरी वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सिंबल वगैरह आते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देखते हैं तो आपको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम ITI से रिलेटेड समय समय पर सारे वीडियो डालते रहते हैं, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फिटर थ्योरी से रिलेटेड हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।